महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ से हालात और बुरे हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने कोंकण सहित पश्चिम महाराष्ट्र के 9 जिलों को बुरी तरह से भिगोकर रख दिया है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिससे 2 दिनों से भारी बरसात और बाढ़ की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 99 लोग अभी लापता है। सबसे ज्यादा दर्दनाक है महाराष्ट्र में बाढ़ ने 3000 से ज्यादा जानवरों की भी जान ले ली है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ नौसेना की टीमें भी बचाव के काम में लगी हुई हैं और अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर टूटी है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रायगढ़ जिले में 6 ऐसे इलाके हैं जहां जमीन खिसकने की घटना सामने आई, जबकि 2 जगह से अभी तक 44 शव बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली से सामने आई तस्वीरें बहुत भयानक है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ और बारिश का कहर नजर आया। कोल्हापुर में सड़कों पर सैलाब नजर आया। पानी भरने की वजह से कई इलाके पूरी तरह से कट गए। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीमों को जी जान झोंकना पड़ा। जबकि महाराष्ट्र के सांगली का हाल तो और भी ज्यादा बुरा नजर आया। यहाँ जिधर भी नजर गई बस पानी ही पानी दिखाई दिया। पूरा का पूरा शहर एक टापू की तरह नजर आया। बाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहाँ बीते दिनों एक होटल की छत पर फंसे कुत्ते को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एनडीआरएफ की टीम उस इलाके में राहत और बचाव के लिए पहुंची हुई थी और इसी बीच होटल की छत पर मौजूद कुत्ता उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगा। एनडीआरएफ की टीम ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। कोल्हापुर में राहत और बचाव कार्य के बीच एक अजीब सी दुश्वारी भी सामने आई, जब एक कोरोना मरीज की हालत खराब हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीज को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया। जिस गांव से हम आए उसका नाम वडांगे है, वहां से एक कोविड पेशेंट जो अभी जिसका ब्लड ऑक्सीजन डाउन हो गया है, तो इसको इमरजेंसी इवैक्यूएट करना है, इसलिए हम उसको अपने शिवाजी ब्रिज की तरफ ले जा रहे हैं, जहां से उसको बाय रोड एम्बुलेंस के थ्रू पहुंचाया जाएगा। मैंने जैसे बताया आपका ब्लड ऑक्सीजन बहुत डाउन हो चुका है, 55-60% था, और बोल रहे हैं कि तुरंत डाउन हो रहा है, इसलिए उसको तुरंत इवैक्यूएट किया गया। बाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें अपनी नाव से गांव में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हैं। जहां तक नजर जाती है केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। हर तरफ पानी का कब्जा है। बताया गया कि इसी तरह से सैकड़ों लोगों को बचाकर बाहर निकाला गया है। महाराष्ट्र के सांगली में भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ जैसे हालात नजर आए। पूरा का पूरा शहर टापू बना नजर आया। सड़कें, मकान सब के सब पानी में डूबे नजर आए। कई फीट तक पानी भरने से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, जिसके बाद पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया। एनडीआरएफ की कई टीमें इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नजर आईं। सांगली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कृष्णा नदी के पानी के बहाव के साथ एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में आ गया। हालांकि जब वहां लोगों की भीड़ बढ़ी तो मगरमच्छ वापस पानी में चला गया। सांगली में एक इलाके में 10 फीट तक पानी भर गया और हालत यह है कि पहली मंजिल तक इमारतों में पानी पहुंच रहा है। लगातार बरसात से पूरी तरह सराबोर हो चुके महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रायगढ़ जिले के तलई गांव में शुक्रवार को भूस्खलन से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं। बारिश और भूस्खलन के चलते लोगों के घर भी उजड़ गए। वहां जमीन खिसकने से मलबे में दबे 63 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें 52 शव सिर्फ तलई गांव से निकले हैं, जबकि 100 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कहर के बाद मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए अलर्ट जारी किए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई शहरों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने भी कोंकण तट पर अगले 3 दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। साफ है कि महाराष्ट्र में आई इस बरसात की तबाही का संकट फिलहाल टलता नहीं दिख रहा। और बंगाल चुनाव में